Champions. तुम लड़की पे हाथ उठाने क्यों आगे बढ़ रहे थे? निकल जाओ बेटे, क्यों निकल जाओ? तुम कौन होते हो निकालने वाले? क्यों बोल रही हो? अपना मुंह बंद रखो। अबे चुप कर, यही लंबा डाल दूंगी दो मिनट में, समझ रहे? ये मत बोल, चल काम कर, काट दूंगा। काट आ काट। जो लड़कियां हैं उनके हाथ में लड़कों की इज्जत है। दुनिया के किसी भी रियलिटी शो में ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैं अभी करने वाला हूँ। तो इसका मतलब 1 करोड़ रुपए आपके और टाइटल चैंपियन का, चैंपियंस का चैंपियन। बाईस साल जिंदगी में मैंने इतनी चांटे नहीं खाई होंगी जितना चांटे इन लोगों ने 22 मिनट में मुझे खिलवा लिए। मतलब जो लड़कियां थी वो तो चांटे खाने को तैयार ही नहीं थी ना। जब भाई जब आप इक्वल हो तो मुझे क्यों सारे चांटे खिलवा रहे हो? हाँ मसला नहीं है। तो वो जो लोगों ने चांटे मुझे मारी, किसी की नौकरी नहीं थी, कोई बीवी से झगड़ के आया हुआ था, वो चांटों की इंटेंसिटी से मुझे मालूम पड़ा था कि भाई बहुत चांटे लग गई हैं। और ये जो आप मोटा देख रहे हैं ना हल्का सा फेस, ये भाई मैं मोटा वोटा नहीं हूँ, ये सूजा हुआ है। फिर इसके बाद आ जाती हैं हमारी अम्मी जान, मैडम सिदरा, वो भाई पुलिस वाले से कुछ था, पैसे लेने का भी टास्क था, तो भाई वो जाके पूछती हैं कि आपका रैंक क्या है। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ होगा और किसी पुलिस से नहीं पूछा होगा भाई तेरा रैंक क्या है। और ये बोलती हैं, हेलो लिसन, आपका रैंक क्या है भाई? अबे मैंने कहा यार ये वकार भाई ने कहाँ कहाँ से भरमबाज ढूंढे हुए भाई, ये सब हुआ थके आ रहे आए बोल हाउस में गए और जाते ही सब धम करके सो गए। हाँ ये हम तो आपके अंदर आ गए। सोना है हम आ गए, वापिस आ गए, हम आ गए। थोड़ी देर के लिए हैप्पी हो जाओ यार। यहाँ लड़कियाँ आएंगी मुनासिब। अबे तो अपन तो क्या दो बेड़ों के वो कहीं, तो क्या हो गया, लड़कियाँ हैं तो नहीं आप फिर मतलब जगह नहीं होगी ना, तो वो उस बेड पे हम तो एडजस्ट कर लेते हैं। देखो यार ऐसी होती है दोस्तें, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद लेकिन मांगते हुए इतना अच्छा लगा, माफ करे हाँ बड़ी मासूमियत से मांग रही थी मैं। मैंने कहा बड़ी अल्लाह ने हाँ बताओ मेरे दिमाग में, बताओ आज क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। चल रहा था क्या, अगर शो के बाद खुदा ना खास्ता हम लोग कहेंगे तो ऐसे ही कैमरे के लेके कर गए तुम कैसे खड़े हो जाओ कैमरे लेके, और हम भी कहेंगे कि हमारे साथ शूटिंग हो रही है कुछ खिला दे मेरा पैसों के, ये सोच रही थी मैं। साइन जब वापस आए ना तो एक और सीन चल रहा था, राबेल और बालाज दोनों घुसे पड़े एक दूसरे में, राबेल तो ऐसे उसकी आंखों में घुसी पड़ी जैसे वो दीवानी हो उसकी, और बालाज जिधर राबेल गए उसके पीछे पीछे मजनू की तरह। जमीन पे सही है डन। गुड नाइट। आसमान लगने लगा हाईवे मेरे यार, बादल ये दिखने लगे रे सरकार, चल रहा हूँ उड़ रहा हूँ आए समझना, गालों पे प्यार से तू पिंच कर बोले तो बोल हाउस, घर है घन चक्कर फादर ना मदर, मैं हूँ बस नहीं तो सरकार, मस्ती मस्त है जबरदस्त है हर कोई देखो चिल्ला, बोल 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 हाउस, बोल 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 तो बोल हाउस। हमने खाना खाया, इतने में सदाए वकार आई, चलो बेटा आ जाओ रिजल्ट्स लेने, और हम लोग चल पड़े।
गए पापा, आ गए पापा, आ गए पापा। पूरा आपको एक दिन दे दिया रेस्ट करने का, और आप में से कुछ कंटेस्टेंट जो है आज बोल हाउस छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जिनको पब्लिक चाहेगी तो वो वापस भी आ सकते हैं। तो जहां ये वीडियो देख रहे हैं उसी YouTube चैनल पर जितने लोग आपके लिए वोट करते रहेंगे कि इसको होना चाहिए, अगर मैंने निकाल दिया तो वो वापस आ सकता है। खाना कितना खाया होगा आप में से? बहुत ज्यादा खाया, बहुत ज्यादा खाया था। हम लोगों ने डिफरेंट डिशेस खाई थी, क्वांटिटी भी हमारी ज्यादा थी और डिशेस हमने बहुत खाई थी। थप्पड़ कैसा लगा था आपको? बहुत ज्यादा जोर से लगा था, लेकिन क्योंकि एक टीम वर्क था, एक चैलेंज था। तो राबेल आप उसे गालियां देने क्यों लग गई थी? क्योंकि उसने गलत किया था। क्या? तो थप्पड़ खाने का हम उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आगे से वो बोल रही है कि अब यहाँ ना आना, और इतनी जोर से मारा, दिस इज नॉट दी वे कि अब यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ ना आना। हम कोई उससे वो तो नहीं बोल रहे थे, बदतमीजी तो नहीं कर रहे थे, तो उसको भी आगे से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टास्क के आप थप्पड़ मार दे, इतनी जोर से तो कोई नहीं मारता। हम उनके पास गए, हमने बदतमीजी की कि अब यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ नहीं आना। हम उनके पास, हम जिस फैमिली के पास या जिन भी लोगों के पास जाते थे, हम दूर से पूछ रहे थे कि कैन वी कम और नॉट। उन्होंने कहा आप आ जाए। फिर हमने पूछा कि हमारा एक चैलेंज है, कैन वी टेक दिस फूड और नॉट। उन्होंने कहा प्लीज आपको जो खाना है आप खा सकते हैं। तो उन्होंने एक दो पराठे के पीस उठाए हम लोगों ने। फिर एक लड़का था, तो हमने कहा कि आप थप्पड़ मारेंगे प्लीज? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मारूंगी। लड़की थी कहती मैं मारूंगी, लेकिन लड़के लड़की से थप्पड़ खाते। मैंने कहा मैं खा लूंगी, कोई मसला नहीं, आप मुझे मार दें। तो उन्होंने जब मारा तो उन्होंने एक तो ऐसा लग रहा था पर्सनल कोई ग्रज नहीं होते। किसको लगता है राबेल ने जो किया वो ठीक किया? जैसे ही बलाज की टीम से पूछा कि राबेल ने जो किया है वो सही किया या गलत किया, तो राबेल ने फौरन आमिर की तरफ देखकर लड़ाइयां करना स्टार्ट कर दी। और मीनवाइल वहां पर वकार जो है वो कैमरामैन वगैरह से बात कर रहे थे, और लड़ाई जो है वो और बढ़ती गई बढ़ती जा रही थी। तो आप फिजिकल वायलेंस? बेटा तू रुक जा, अभी तुमने यू की है। अब देखो जरा बेटा, मुझे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, उसकी बैंड बजेगी, भरोसे की बात ही नहीं। ठीक नहीं किया तो बेटा तूने भी एक थप्पड़ नहीं खाया, समझ आई? आमिर ने थप्पड़ खाया? तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो सारे। भाई राबेल मेरी तरफ देख के मतलब वो बोल रही है, तुमने मेरे लिए कुछ बोला है? मैंने कहा भाई मैंने तेरे लिए कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ वकार भाई का जो कैमरामैन था उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन राबेल मेरे ऊपर चढ़ रही है। भाई मैंने तुझे बोला क्या है? तो डेयर था ना, डेयर में क्यों निकल रही हो? डेयर था तो बेटा तूने भी एक थप्पड़ नहीं खाया, समझ आई? और मैं यही बोल रही थी कि कैप्टन ने ये चीज़ फेयर नहीं की, उसने किसी चीज़ में वो नहीं किया, आमिर ने किसी चीज़ में कोऑपरेट नहीं किया। आमिर ने थप्पड़ खाया? तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो सारे। बोलो ना मुंह से, सिर्फ इसने खाया, उसने खाया, उसने थप्पड़ खाया एक भी? ये तो कैप्टन पे भी बात आई, उस पर भी बात आई कि थप्पड़, आमिर ने थप्पड़। क्या मस्ती दिखा रही है? मैं से बात कर रहा हूँ, तुम बोलो मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरे साथ मत दिखाना। दे तू, दे तू मेरे साथ समझना, मुझे बता रहा हूँ। यू शट अप, तमीज से रहो, होती हो शट अप, तुम तमीज से रहो जरा, समझ आई? घर जाके लड़ना। होती कौन हो तुम? तुम कौन हो? क्यों बोल रहे हो? तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। वकार भाई उधर कैमरामैन से बात कर रहे हैं, इधर राबेल मेरे साथ फड्डा कर रही है। मैंने बोला वकार भाई साई इधर देख ले, वहाँ फड्डा बढ़ता ही जा रहा है। जी जी, क्या मसला हो रहा है? कौन लड़ रहा था? आमिर भी लड़ रहा था, क्या हुआ? जी सर, वो बोल रही है तुमने क्यों ना कहा। मैंने कहा डेयर के बीच में तुमने कहा तो मैं बोलूंगा, तो बोल रही क्यों मेरा नाम बोल रहे हो? मतलब मैंने गलत नहीं किया डेयर के हिसाब से, तुमने गलत किया तो मैं बोलूंगा। एक भी थप्पड़ इस तो बंदे ने इनका, सब थप्पड़ खाने के लिए राजी थे, ये एक बंदा था जो थप्पड़ नहीं खा रहा था। वो बात ही नहीं हुई है सर, बात हुई है कि तुमने गलत किया या नहीं किया, बात ये हो रही है। थप्पड़ खाने के लिए सिर्फ इसने खाया है, कोई परवाह नहीं किया था थप्पड़। मैंने, जिशान ने और दानिया ने खाया बस।
मैं भी सफर खाने ये राबी था हम लोग रेडी थे लेकिन ये तो किसी चीज में नहीं था आमिर किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता और मैंने इस वजह से किया मुझे भी लगा था जी मुझे लगा था जब उसको लगा था तमीज से बात करो जी नाटक आप ना करें तुम कोई नहीं होती शट अप बोलने वाली मुझे बोले तमीज से बात करें मैं कोई नंबर क्या करेगी क्या लगा के दिखा अंदर तो बड़ा बहन बहन कर रहे थे औरतों की इज्जत करते हैं ये तुम लोगों सही बोल तमीज से बात करो देखो ना अच्छा ठीक है बातें सिर्फ करने आती हैं टीम में ही झगड़ा सर खुद कर रही है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर क्योंकि स्टार्ट किया तुमने मेरा नाम ठीक किया के तुमने गलत किया सीधी बात है पर्सनल खा रहे क्योंकि ये कोई और मतलब वो ये निकाल सर मैंने कहा ये गलत किया उस लड़की को यूं मारा इसका काम ही नहीं था अगर उसने खुद बोला है मुझे थप्पड़ मारो लड़की ने मार दिया तो छोड़ दो तुम वो आपस में डील करेगी ना टीम थी ना मेरी टीम टीम के साथ किसी बंदे को कुछ बोला तो मैं चुप रहूंगी बाहर के लोगों से लड़ना नहीं था लड़ना नहीं था उसने गलत किया नहीं करना था वो डेयर से हट के चीज हुई निकल जाओ वो डेयर से हट के क्यों निकल जाओ तुम कौन होते हो निकालने वाले क्यों बोल रही हो अपना मुंह बंद रखो अबे चुप कर ये देख रहे इसको यही लंबा डाल दूंगी दो मिनट में समझ अबे ये मत बोल चल काम कर काट दूंगा काट आ काट 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 मार दिया तुझे बोल रही है टीम बोल रही है करो वी आर अ टीम नाउ उसके बाद टीम की वजह से मैंने स्टैंड लिया ना तो जिस टीम में इत्तेहाद ही ना उस टीम को तो टीम ही नहीं मानूंगा मैं टीम वर्क हुआ भी नहीं ना खुद ही कर रही है थप्पड़ खाए कोई काम किया नहीं बीच में मैंने बोला ही नहीं शुरू से ये जो है इस टीम में होना नहीं चाहते थे बार बार इनका यही था कि वो उस टीम में चले जाते हैं वहाँ लड़के नहीं है तो मैंने और हम सब ने कहा भी था आपको जाना है आप चले जाएं पर आप बीच में कुछ गंद मत करिएगा पर एट दी एंड ही सेड नो नो आई वांट टू बी इन दिस टीम एंड देन ही डिड नॉट परफॉर्म मैंने किया सर मैंने पैसे लिए सिंधियों से पुलिस वाले कैमरा में रिकॉर्ड है सर आप देख रहे हैं रिकॉर्ड मैंने दो एक एक करके जी मैंने सर 100 लिया वहां से बैठे हुए सिपाही और 60-70 मैंने दूसरे सिपाही से लड़की पे हाथ उठाने क्यों आगे बढ़ रहे थे सर हाथ नहीं उठा रहा वो बात ऐसे कर रही मैं क्या करूं क्या बोला उसने ऐसा सर वो बहुत बुरा बोल रही है क्या बोला ये पर्सनल गंदी गाली दे रही है मैं डाल दूंगी बोल रही है हाँ तुमने बोला मैं काट दूंगा तो मैंने बोला मैं भी डाल दूंगी मैं क्या बोलूं तुमने बोला था मैंने बोला मैं लंबा डाल दूंगी तुमने बोला काट दूंगी पूरा सुनो पहले गाली तो नहीं थी उसने सर ये डालने वाली गाली मैंने बोला लंबा डाल तो इतना लड़ने के तो आगे आके मैं लड़कियों से लड़ता ही नहीं मैं रिस्पेक्ट करता हूं सब की ये क्या कर रहा था पर्सनल खा रहे हैं सर ये तो खुद ये इनकी आशुकियां माशुकियां चल रही है उसकी पर्सनल खा रही है किससे किससे इधर कहीं आशुकियां माशुकियां चल रही है और मैं उस चीज के अगेंस्ट हूं कि हम लोग यहां पर ये काम करने नहीं आए ठीक है और उस लड़की से सबकी खा रहे तो इस वजह से ये मुझे बोल रहा था उसको नॉमिनेट नहीं करना तुमने तुम दिल की बहुत अच्छी हो ये मुझे बोल रहा था अभी अंदर बोल रहा था तुम दिल की बहुत अच्छी हो तुम मेरी बहनों जैसी हो अभी यहाँ के टोटली चेंज हो गए मैं तो बहन ही मानता हूँ तुम्हें तुमने कहा है अपनी बहन के साथ भी ये करते हैं नहीं करता मैं तुमने बात स्टार्ट की ना क्योंकि मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ अपनी पर्सनल किसको नॉमिनेट नहीं करना जिसके साथ जिसको ये लाइक मारिया तो सर वो आपस बहन ही मानता हूँ ये मेरी बहनों की तरह है ये खुद गलत समझ रही है अगर मैंने ओपिनियन दिया तो इसे गलत नहीं समझना चाहिए था मतलब मैं तो मारिया करता हूँ उसकी वो भी बहन है नहीं सर बाकी सब बहने हैं सर वो नहीं है वो दोस्त है सर दोस्त है अच्छी दोस्त हम बहनों के दोस्त नहीं है चुप हो जाओ कशप वो भी है लेकिन वो बहन नहीं है What the hell? जब मेरा नाम राबेल ने आमिर के साथ जोड़ा मैंने दिल में सोचा कि ना मेरी आर से किसी का भी बात हुई है ना मैं इसे जानती हूँ ना कुछ बिना वजह मेरा नाम उसके साथ क्यों जोड़ दिया मुझे तो लग रहा है राबेल खुद पसंद करती होगी उसे राबेल ने बोला मैं तो तुझे लंबा डाल दूंगी और मैं आमिर साहब बोलने में तुझे गाड़ दूंगा मतलब अल्फाजों का जो चुनाव है ना वो तो बहुत अजीब है और ये दोनों फाइट करने ऐसे आए थे जैसे पता नहीं क्या हो गया ना छांटे वांटे लाते होते सब पढ़नी लेकिन होना कुछ भी नहीं है सिर्फ मुंह के फायर है दोनों अब ये बताना है मुझे कि आप में से वो कौन लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी ठीक है और अच्छी ना होने की वजह से कैमरा टीम ने डिसाइड किया और उसी ने बताया मैं तो था नहीं हुआ मेरे सामने तो चैलेंज नहीं हुआ ठीक है तो जो हमारे पास रिकॉर्ड हुई है चीज़ें हम उसकी बेस पे आपको आज यहाँ से जाने के लिए कहेंगे ओके सर हाँ तो भाई अभी तक जो मुझे लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि बालाज और सिद्रा पहला कंटेस्टेंट जो शो से जाएगा या जाएगी उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो खुद जाना चाहता है मारिया नाक की प्रॉब्लम है अब नहीं ठीक है ठीक हो गई श्योर नहीं जाना आपने नहीं
क्योंकि आपके जाने की वजह से हो सकता है कोई और जा रहा हो, उसका चांस बच जाए। पर मुझे लगता है मैं डिजर्व करती हूँ तो वो ठीक है। आपकी नाक का प्रॉब्लम है ना, फ्रैक्चर हो गया ना, आप चेक करवाने गई थी, क्या बताया डॉक्टर ने? उनका माइनर है तो इट्स फाइन। पहला कंटेस्टेंट जो शो से जाएगा, आई वाज डैम श्योर कि सिद्रा को तो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि शी परफॉर्म्ड पुअर, उसने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया और साथ में मुझे भी रोक रही थी कि आप भी परफॉर्म नहीं करो, तो हर बॉसी एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिद्रा क्यों लगता है आपको क्यों निकाला जा रहा है? सर आप कह रहे हैं इसलिए। क्या किया था आपने कैमरामैन के साथ? कैमरामैन के साथ तो कुछ नहीं किया, बट घर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैंने, मेरे मुँह से गालियाँ भी निकली हैं, मैंने थोड़ा शाउट भी, लेकिन मैं गलत नहीं थी। हमारा गालियों से ताल्लुक नहीं है, गालियों पे निकालना तो राबेल को सबसे पहले निकाल दें। बट इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ आप प्यार करते हैं, दुश्मनी करते हैं, मैंने तो नहीं आपसे कहा कि आप आशिकी ना करें, किसी को बहन ना बनाएं। रिलेटेड मैंने आपको कोई लिमिट दी? नो, क्योंकि रियलिटी शो क्या होता है कि आप रियल जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे गुजारें, इससे ताल्लुक नहीं है आप किससे दोस्ती करते हैं, किससे दुश्मनी करते हैं। असल चीज़ है जब आपको कोई सिचुएशन मिलेगी उसमें कितना स्मार्टली रिएक्ट करते हैं आप। कुछ अनफेयर लग रहा है तो आप बता सकती हैं? जो फर्स्ट टास्क था उसमें भी मैं रनर अप थी, सेकेंड टास्क में मुझे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया या मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाए। जितने लोगों को लगता है कि सिद्रा को नहीं निकलना चाहिए वो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, अगर इनके लिए वोट आए तो पब्लिक का शो है, इनको वापस बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो यहाँ से जाएंगी या जाएंगे, बालाज क्यों लग रहा है आपको, क्यों भेज रहे हैं? सर मैं नाश्ता खूब किया मैंने, जो करना था हमें। और सर एक बात कहना चाहूँगा सर, भाई हम जब डेयर करके आए ना तभी मुझे लगा था बालाज चला जाएगा, बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, पूरे डेयर में चुपचाप घूम रहा है कैप्टन होके, मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहा है, लेकिन बोलता भी कैसे बेचारा। राबेल जो साथ थी, राबेल के सामने किसी की जल्दी नहीं मेरे सिवाय, तो बेचारे का चुपचाप होने में निकल जाना ही बेहतर है, तो मुझे लगा यार बालाज तो जाना है आज। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो यहाँ से जाएंगे, बालाज और सिद्रा ने तो कुछ भी नहीं किया और सिद्रा ने तो क्या घंटा कुछ किया है, लेकिन वकार भाई का जो मूड है वो चेंज होता रहता है, मुझे लग रहा है ये शो नहीं है, वकार भाई का मूड पे चलता है, तो मैंने तो कसम खाई हुई है, दुआ भी की हुई है वकार भाई का मूड ना है मेरे से ख़राब ना हो, क्योंकि वकार भाई का कोई शो का फॉर्मेट नहीं होता भाई, इंडिया में यूएसए में शो के फॉर्मेट होते हैं कि यहाँ से आप यहाँ से जाओगे तो जीत जाओगे, लेकिन वकार भाई का ऐसा नहीं, वकार भाई बोलेंगे यहाँ से जाओ जीतो और ऊपर जाओ दाएं मुड़ो लेफ्ट मुड़ो, मतलब ये शो बिल्कुल वकार भाई के फॉर्मेट पे है, ये यहाँ कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कैमरामैन वगैरह एडिटर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये शो वकार भाई के मूड पर डिपेंड करता है, वकार भाई का मूड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वकार भाई का मूड खराब है तो सब कुछ खराब है, ये वकार भाई के वकार भाई के माइंड का जो फॉर्मेट है ना ये उस पर शो चलता है, ना कि प्रॉपर जो शेड्यूल होता है उस पर तो चलता ही नहीं है भाई। क्या लग रहा है बिलाल, आज शो की टीआरपी जाने लगी है? मिस करूंगा आपको मैं, कैसा लगा यहाँ तक आपका सफर? अच्छा लगा सर, लेकिन सर आपके कहने के बाद मैंने वो वर्ड जो आप बोलते हैं उसकी बेस पे थोड़ी आपको निकाल रहे हैं। अच्छा मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, कैसा लगा यहाँ तक शो आपको? अच्छा लगा, और जाते वक्त बस ये कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को लगता है मुझे आना चाहिए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट करो, और मैं समझता हूँ वो भी वायरल हो जाएगा साथ, मैं समझता हूँ कि मेरे शो में हकदार हूँ तो इसलिए मुझे आना चाहिए जेट सीट। लेकिन आप जा थोड़ी रहे, मैंने कहा यहाँ तक लगा कैसा अभी तक आपको? अच्छा लगा अभी तक, मज़ा आया जी। किसको जीतना चाहिए शो ये आपके अलावा, कौन लगता है कि यार ये जीतेगा तो वाकई लगेगा, और कौन लगता है नहीं ये जीत गया या जीत गई तो ये मजाक लगेगा? जिसको नहीं जीतना चाहिए वो है तूबा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल के टास्क में इतना परफॉर्म नहीं किया जो कि मैंने उनको जज किया, ठीक है घर के काम करना अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये जीत सकती हैं, अगर जीत गई तो बहुत इनकी खुशकिस्मती होगी। जी आमिर, सर मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, ये मेरी बहनों की तरह मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझसे गलती से हो गया, मैं इसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता गलत बातें, कभी नहीं बोलता मैं, आप भाई हमारे, मैं कभी नहीं बोलता क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और बहन भी है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, एक मिनट में कुछ हो जाता है एक मिनट में कुछ हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले तो गला पकड़ रहा था उसका तू? नहीं सर वो गलती में हो गया, फ्लो में हो गया। तुझे पता है ना तू जो आगे आ रहा था तो क्या कर रहा था?
सर गलती में हो गया, हाथ उठा रहा था लड़की। नहीं 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 उठा रहा सर हाथ। अब क्या हुआ? वो सर मुझे याद आ गई बहन है। क्या बहन याद आ गई? जी सर, मैं इसके साथ अच्छा रहता हूँ सर, घर में भी अच्छा रहता हूँ, बातें होती है इसके ये साथ भी अच्छी बहुत अच्छी है। हाँ ये भी अच्छी बहुत अच्छी है, मैं इसे खोना नहीं चाहता, मतलब बहन को या दोस्त को इसी को। लैंप याद आ गई इसको। तूने बोला अभी घर में वापस जाना पड़ गया अगर। नहीं नहीं वो नहीं है सर, कसम से वो नहीं है, मेरी मेरी किसी लड़की के साथ नहीं है। लड़का कोई भी आ जाए सर, मैं लड़कियों के इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितना मुझे पता है। पूरे कराची ठीक है, मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। अच्छा वो तूने तकरीर कर दी क्योंकि तू जाने वाला है। मुझे लग रहा है एलिमिनेशन में अब मेरा भी नाम आ जाएगा और मुझे लाड़काना वापस जाना पड़ेगा। सही कैसा लगा यहाँ तक आपको? सर सही लगा, मतलब अच्छा लगा इनके सबके साथ, मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी। कौन जीतना चाहिए, कौन आपको लगता है कि अगर जीत गए तो पर्ची लगेगा? पर्ची तो तुबा ही लगेगी सर, क्योंकि तुबा लगती नहीं है विनर सर। और अगर कोई जीतना चाहिए तो सर वो मारिया हो। आई होप मारिया दोस्ती भूल गया तू। दोस्ती भूल गया। तो आमिर यहाँ तक आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, आप है सर। थैंक यू। जो जाएगा वो आपके उल्टे हाथ पे खड़ा है। रेहान जी, रेहान कैसा रहा यहाँ तक का सफर? बहुत अच्छा रहा। कोई चीज अनफेयर लग रही है आपको? सबके साथ बना के रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्यार भी बहुत करते हैं। इसमें मुझे काफी अफसोस हुआ कि यार ये रेहान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रेहान की गलती थी कि उसने मेन टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, इसी वजह से वकार भाई ने उसको कर दिया। तूबा, तूबा यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? अच्छा था। सही लगा? कोई चीज अनफेयर लग रही है आपको? जब मुझे पता चला मैं एलिमिनेट हो रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आया। मैं वकार की शो को 10 साल से देख रही हूँ, मुझे भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता। वकार टोपियाँ कैमरामैन पे डाल रहा है, बेचारे गरीब पे डाल रहा है, उसका क्या कसूर है? आप खुद बोले कि आपको नहीं रखना, आप ही जो है गंद फैला रहे हैं। आप बोले साफ कि नहीं रखना, मुँह पे बोले, किस बात का डर है आपको? इसके अलावा जो कंटेस्टेंट जाएंगे, फिर निकला जीशान। मुझे जीशान के लिए बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि जीशान को आगे होना चाहिए था। मुझे उसका बहुत 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 दुख हुआ। कैसा रहा यहाँ तक का सफर आपका? सर दिल तो नहीं कर रहा जाने का सर, पर मजा आया, बहुत अच्छा लगा, अच्छे थे, संगत यारी हो गई थी, लेकिन अब तो शशके अशके भी आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन बाला, तूबा, सिदरा, रेहान, जीशान जाए अपने रूम में, बैग पैक कर ले। जब वकार भाई ने बोला कि इनके सामान पैक होंगे तो भाई मैंने तो शुक्र अदा किया। जब हम गोल हाउस में पहुंचे तो वहां तो सीन ही कुछ और था। थोड़ी सी दुश्मनी भी, थोड़ी सी दुश्मनी भी जो जिंदगी पर निभानी है, घर के बाहर तो मैं निभाऊंगी। Everyone is deserving, baby. लेकिन ये जो अभी हुआ है ना, ये फैसला अनफेयर है। लड़ूंगी तो मुझे पकड़ेगा कौन? तुम दोनों चले गए तो मैंने तो बैंड बजा लिया। कुछ मैं कहती हूँ नॉन डिजर्विंग है, लेकिन हम लोग नॉन डिजर्विंग नहीं थे। तो मुझे वही तो मैं कह रही हूं, ये तो अनफेयर लग रहा है। मैं जाके अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, अपने पेज पे तो ये लिखूंगी यार। तुम वोट भी करवाना ना अपने लिए, तुम्हारे तो नहीं, मुझे वोट की जरूरत नहीं है। लोगों को अगर दिखा होगा ये तो उसके तो वोट खुद करेंगे। मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, एक आवाज आती है वकार जका की कि सारे चैंपियंस वहीं पर ही खड़े हो जाएं, अपनी पैकिंग छोड़ दें और यहां पे आ जाएं। चैंपियंस कौन कौन चाहता है कि ये 5 लोग शो से ना जाएं? अब जिस जिसने हाथ खड़ा किया है इन 5 को शो में वापस लाने के लिए, बाकी जो कंटेस्टेंट्स यहां बैठे हैं, आपको चैलेंज करना होगा उनको। और चैलेंज अगर आप जीत गए तो इनकी जगह वो कंटेस्टेंट शो से बाहर जाएंगे। मतलब यह है कि फर्ज करें राबेल जीशान को बचाना चाहती हैं, तो वो किसी एक कंटेस्टेंट को चैलेंज करेंगे जो ऑलरेडी सेफ जोन में है। और अगर जो सेफ जोन का कंटेस्टेंट है वो हार गया तो फिर वो इनकी जगह जाएगा। जो लोग सेफ हैं उनको चैलेंज करना शुरू करें। मैंने जीशान के लिए हाथ खड़ा करा, मैंने बोला यार जीशान के लिए
विशान मुझे लगता था कि यार वो कर सकता है, वो काफ़ी आगे जाएगा। जब सेव करने की बारी आई तो कशप ने मुझे चूज़ किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि आई वॉज इन द सेफ जोन और वो मुझे नॉमिनेशन की तरफ लेके चली गई। वकार भाई ने बोला कि बालाज के लिए कौन हाथ उठाएगा, मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर उठा और अकेला वाहिद में इंसान था जो बालाज को समझता था, तो बालाज का साथ देने के लिए मुझे डेयर करना पड़ा किसी एक को, मैंने डेयर दिया यह्या को। रेहान को बचाने के लिए कौन चैलेंज करना चाहता है? राबेल। राबेल ये बताएं इनकी जगह किसको शो से निकालना चाहती हैं आप? और जब राबेल ने मुझे चैलेंज किया तो वो तो मुझे कमजोर समझती थी, लेकिन भाई मैं यहाँ आलू छोले चने वने बेचने नहीं आया भाई, मैं भी यहाँ जीतने आया हूँ, फुल कॉम्पीट करके जाऊँगा। जैसे ही वकार ने पूछा कि मेरे लिए कौन डेयर करेगा तो रुबैशा ने कहा मैं करूँगी। रुबैशा ने मुझे चैलेंज किया, मैं रुबैशा की तरफ देखी थी, उसने क्या सोच के मुझे चैलेंज कर दिया। यार रुबैशा आप इतनी सी हो, मैं आपको गोल गोल करके डस्टबिन में डाल दूंगी। सिद्रा को बचाने के लिए कौन चैलेंज करना चाहता है? दानिया। सिद्रा की जगह किसको आप शो से निकालना चाहती हैं? अभी हाँ, शुक्र है इन पांच लोगों को चांस मिला वापस आने का, क्योंकि ये पांच के पांच मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और फिर फाइनली वकार ने बुलाया हम लोगों को एक लोकेशन पे जो डेयर के लिए था। सोच समझ के आपने चैलेंज किया है? यस सर। जी। जिसके साथ मुकाबला हो रहा है अगर वो कंटेस्टेंट हारा तो इनकी जगह हो जाएगा। आपके चैलेंज का पहला हिस्सा मेरी जेब में, ये है आपके चैलेंज का पहला हिस्सा। जब हमें अंडा दिखाया गया तो उस टाइम पे तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था कि करना क्या है। माइंड में मिक्स चीज़ें आ रही थी कि या तो फिर से खाना होगा या तो फिर से किसी को मारना होगा, पर मैं सोच रही थी अगर किसी को मारना होगा तो मैं ये ज़रूर अंडा उठा के राबेल के मुँह पे मारूंगी। क्या करना होगा? खाना होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, खिलाना भी आसान हो जाएगा, मारना होगा। ये बात याद रखें कि अब जो मैं चैलेंज बताने लगा हूँ, जो इन लोगों के लिए चैलेंज कर रहे हैं अगर वो हारा, वैसे तो मैंने कहा है कुछ नहीं होगा लेकिन मेरा मूड चेंज भी हो सकता है, तो इनकी जगह हो सकता है बैग ही पैक आपका हो जाए। करना चैलेंज? सोच ले राबेल। करना। इस संडे के साथ करना ये है कि मैं आपको एक जगह बुलाऊंगा बारी बारी, दोनों कंटेस्टेंट्स लेटेंगे, लेटने के बाद आपका जो मुँह है इस मुँह से आप अंडे को पुश करेंगे, सिर्फ मुँह से, नाक हो सकती है, सर हो सकता है, चिन हो सकती है, एक रेस लगेगी यहाँ से लेकर फिनिश लाइन तक, मुंह से यूं रगड़ते रगड़ते जो अंडे को पहले पहुंचा देगा वो जीत गया, जिसका अंडा टूटा वो डिस्क्वालीफाई। जब वो कार्रवाई ने बोला जमीन पे लेट के रिंगते हुए लेके जाना है, फिर तो मुझे डर लगने लगा कि भाई ये राबेल फुर्तीली है, पतली भी है और मैं मोटा हूँ, तो मुझे लगा मैं हार जाऊंगा। एक और चीज याद रखे, अंडा यहाँ नहीं निकलना चाहिए। ओके लेटे, गो। नीचे से नाक को नीचे लगा के गाइड कर सकते हैं आप। ठीक है आराम से। सही है सकते हैं। ठीक है। गुड। हाथ नहीं लगाना। हाँ शाबाश। सही जा रहा है। आराम से। वो बहुत पीछे है। आराम से कर। आराम से कर, शाबाश। ठीक जा रही है। आराम से करना है। यूं हो रहा था, मैं हाथों से कोशिश कर रहा था उसको स्ट्रेट लाने की, और अचानक से जब मैंने जोर से अपना नाक उस पे लगाया तो अंडा टूट गया। ओके राबेल, ओके टूट गया। अब अभिया का मुकाबला है दानिया से। अगर दानिया ने अभिया को हरा दिया तो सिद्रा शो में वापस और अभिया का बैकपैक। गो दानिया, जल्दी तो यह आगे साथ मेरा डेयर होना था, तो मैंने बोला यार ये बच्चा है इससे तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। गो टूट सकता है ध्यान से, आराम से टूट सकता है। जब टास्क शुरू हुआ मुझे इतनी जल्दी आ गई, मैं जज्बाती हो गया। जज्बाती होने के साथ साथ मैंने एक कर दी बेवकूफी। कौन सी बेवकूफी? ध्यान से दूसरे का अंडा दूसरे टूटा तो दूसरा बाहर हो जाएगा। ओह
अब जीशान को शो में वापस लाने के लिए कशफ मुकाबला करेंगी हम्माद का। अगर कशफ ने हरा दिया तो हम्माद बाहर और जीशान वापस। गो कशफ, टूटना नहीं चाहिए कशफ, टूटना नहीं चाहिए कशफ, स्लो स्लो जाते रहो कशफ, मुंह में नहीं डालना कशफ, आराम से कशफ 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 कशफ, जाने तो जाने दो कशफ, मुंह में बस निशान छोड़ दो, उठा उठा निशान छोड़ दो, बचाओ बचाओ, वो उठा है, वो उठा है, वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, वो उठा है, वो उठा है, तुम टूटना नहीं चाहिए, भले आराम से जाओ, आराम से जाओ, समझो इस अंडे में मेरा दिल है, टूटना नहीं चाहिए, आराम से हाथ भी नहीं लगाओ, हाथ भी नहीं लगाओ, हाथ भी नहीं लगाओ, बस हाँ हाँ टेंशन, बस जाओ 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 जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मोहब्बत से मोहब्बत से, दिल है दिल है दिल है, दिल समझ के टूटना नहीं चाहिए कशफ कशफ, आराम से वो तो चले गया, वो उठ गया था वो, वैसे भी आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, बट टूटे नहीं टूटे नहीं टूटे नहीं, बहुत आला कशफ, बहुत आला, उठना नहीं बस उठना नहीं, वो उठ गया था, बहुत आला बहुत आला बहुत आला बहुत आला, बहुत खूब, ये चीज ये चीज ये चीज, हाँ बस टूटे नहीं आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, हाथ भी नहीं लगे हाथ भी नहीं लगे, हाँ अभी अभी आखिरी 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 आखिरी, आराम से नहीं नहीं जज्बाती नहीं, हो गया। अब तूबा को बचाने के लिए रुबाइशा डेयर करेंगी, और अगर मारिया को हरा दिया तो तूबा गेम में वापस और मारिया अपने घर। गो आई यूज माय ब्रेन, मैंने डायरेक्ट मुंह में अंडा डाला, वहां से भागने लग गई, और जैसे मैंने पीछे देखा रुबाइशा का अंडा तो टूट चुका था, एंड शी वाज बीइंग अ स्पोर्ट्स गर्ल के वो यूं कर देगी टास्क, पर नहीं किया। अच्छा यहाँ पे डेयर चल रहा है और मैं वकार को देख रही हूँ, तो वकार वैसे टीवी में बहुत अजीब सा लगता है और रियल में जब उसको देखो तो वो बहुत हॉट लग रहा होता है, तो उस दिन वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो अब मेरी नज़र मारिया पे पड़ी, मारिया उसको देखी जा रही है, अपना डेयर नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ वकार को देख रही है, मतलब ठीक है हॉट है वो, लेकिन आप अपना डेयर तो करो कम से कम, डेयर करते हुए भी वो वकार को देखी जा रही है देखी जा रही है देखी जा रही है, मतलब इतनी ठरकी है वो बंदी, फिर जब उससे पूछते हैं हम कुछ तो वो कैमरे के आगे मुकर जाती है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं और मुझे तो पसंद ही नहीं है और ये नहीं है, आपको पसंद है आप मुँह पे बोलो, हमें पसंद है हम मुँह पे बोलते हैं, हम तो नहीं शर्माते, जब एक बंदा है तो आप उसको मुँह पे बोलेंगे। तो चैंपियंस आप में से साइंसदान भी हैं कुछ लोग, कौन साइंसदान अपने आप को समझ रहा था, हाथ खड़ा कर लो तो शायद बच जाओ। मारिया हम्माद जी दानिया क्या साइंसदान? मुझे क्योंकि आपने कहा था आप पूरे फेस में से किसी भी फीचर को यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैं उसको मुंह में रख के लेके जा और रगड़ने का लफ्ज़ कहाँ गया? आई क्रॉल्ड, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया मैं गलती से अपनी नीस पे आई पर मैं फिर से नीचे लेट गई थी, पर मेरी गलती थी वहाँ पे, लेकिन मैं दोबारा से लेट गई थी, और मुँह में रखने के लिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं मुँह में नहीं रखना था, लेकिन आपको क्या हुआ था एकदम? मुझे तो लगा मैंने ठीक किया है। ओ जबरदस्त, खड़े होके उड़कर जाना था। सिर्फ दो कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैलेंज को सही तरह पूरा किया है, बाकी सब एक तरफ हो चुके हैं। राबेल और कशफ के लिए तालियां होनी चाहिए, मुश्किल चैलेंज था, इतना आसान नहीं था। लेकिन अब कंफ्यूजन है, किसी का अंडा टूट गया, कोई आगे तक नहीं पहुंचा, कोई मुंह में रख के ला रहा था, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैंने सोचा मैं अपनी पावर्स ट्रांसफर कर दूं आपकी तरफ एलिमिनेशन के लिए। एक फाइनल मुकाबला होगा आज की क्वीन के लिए राबेल और कशफ के दरमियान, जो वो जीतेगा उसके पास पावर्स होंगी कि वो 5, 7 या 7 कंटेस्टेंट्स को निकाल दे, और ये आखिरी बार होगा। मैं तो सबको निकालूंगी। कशफ जीती तो सबको कशफ के नखरे उठाने पड़ेंगे, या फिर राबेल जीती तो राबेल के नखरे उठाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि सबके सब इन दो पे डिपेंड करने वाले हैं। कितने लोगों को लगता है कि कशफ जीत जाएंगी? जीत सकती है वो। कितने लोगों को लगता है राबेल जीत जाएंगी? ओहो सबको लगता है। कशफ ये मौका है आपके लिए अपने आप को क्वीन बनाने का। बात तो एक ही, क्योंकि ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद एलिमिनेशन नहीं रुकेगी। हम तो एक ही ना। इस दफा अंडे होंगे, हाथ दोनों पीछे बांध दिए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो अंडा वहां तक पहुंचा देगा वो जीत गया। तो क्वीन का मुकाबला शुरू करते हैं।
मेरा फाइनल डेट था किसके साथ? लबेल जापानी कुदरे के साथ। गो। इतनी सर्दी, जमीन इतनी ठंडी, आगे मेरा एक तो वेट, राबेल तो कमजोर सी थी, वो तो समझती मैं कर लूंगी, लेकिन मैंने बोला यार मैंने इसको हराना है। मैंने चलाया अपना दिमाग, मैंने बोला यार अगर मैं अपनी चेन या अपनी नोज से करूंगी तो वो तो अंडा टूट जाएगा फौरन फौरन। मैंने बोला भाई किससे करना है, अपनी जबान से। मैंने तो निकाली अपनी जबान। शाबाश जबरदस्त, दोनों का बहुत आला। अरे अब जब अंडा टूट गया मुझसे तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। कश्यप लेके जा रहा, पूरा क्रॉस करना है। कश्यप पूरा क्रॉस करना है, रुकना नहीं। हाँ जी मान गया कश्यप, शाबाश। तुम करोगी, पूरा क्रॉस करना है, रुकना नहीं है। कश्यप कर सकती हो, कश्यप कश्यप कोई कश्यप कर सकती हो, आराम से जाओ। बोले बिल्कुल ऐसा, कश्यप नहीं चाहिए, लेके चले जाओ। बहुत अच्छे कश्यप, शाबाश। गुड कश्यप, गुड 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 गुड। आराम से लेके जाओ कश्यप। कश्यप स्लो लेके जाओगे तो चल पाओगी, कश्यप स्लो चलोगी तो ले जाओगी। कश्यप गुड, ले जाओ कश्यप, यूज योर थाई। कश्यप जब हार माननी हो हार मान ले। क्वीन बनेगी, क्वीन सारे पावर। ये शाबाश शाबाश कश्यप, यही पावर चाहिए, यही। नहीं कश्यप तुम कर लो, थकना नहीं है, थकना नहीं है, चल चल। हाँ सही है कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। कश्यप कश्यप स्टेज, हाँ सही है, सही है, आराम से चले, कोई जल्दबाजी नहीं। नाक से मैंने इसको पहले कहा था, नाक से हार भी मान लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जान से आगे बढ़ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, बाकी एक है, बाकी बहुत आला। आधा सफर हो गया, आजा आजा कश्यप, आधा रह गया बस। आजा आजा हिम्मत ना हार, कश्यप 50% हो गया, हिम्मत ना हार, चल चल। जान से क्यों मिलेगा कश्यप, गुड 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 कश्यप, पंजों से कश्यप, चल गुड गुड गुड, शाबाश कश्यप, इस तरह जा सकते हो, जाओ जाओ जाओ। कोई बात नहीं, आराम आराम से आ कश्यप, उठो, सांस ले, थोड़ी सांस ले कश्यप, हिम्मत नहीं आ रही, वजन नहीं डाल कश्यप, छोड़ना नहीं है कश्यप, छोड़ना नहीं है अभी, आराम से टाइम की लिमिटेशन देख के, भाई मुझसे तो आगे जाया ही नहीं जा रहा है, जोर लगाने में लगी हुई थी कि मैं निकल जाऊं, लेकिन मैंने बोला हार मान लेती हूं। आराम से कश्यप, हिम्मत नहीं, सांस ले ले, सांस ले ले, थोड़ी हिम्मत नहीं आना कश्यप, क्यों बनने की सांस है कश्यप, क्वीन बनोगी अबे, नहीं ध्यान से, शाबाश कश्यप शाबाश, बस थोड़ा है, थोड़ा है कश्यप, जाओ 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 जाओ, शाबाश कश्यप शाबाश। आगे चैलेंज पता नहीं कर भी सको नहीं कर सको, हार भी मान लो तो क्या फर्क पड़ता है अभी? नहीं कश्यप, हार नहीं मानना कश्यप, ले आ ही चलो कश्यप, हां बस थोड़ा है, आजा आजा, चली जाएगी चली जाएगी, चली हार नहीं मानना कश्यप, हां बस सही है, शाबाश सही है सही है, चलो 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 कश्यप, चलो 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 चलो, पांव से चलो, पांव से पांव से पांव से, आजा विनर है, कश्यप पांव से पंजों से, क्वीन क्वीन बनने को चांस, गुड कश्यप, गुड 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 गुड, जल्दी नहीं हो, जल्दबाजी नहीं हो, उस तरफ आ, गुड गुड कश्यप, गुड गुड, जल्दबाजी नहीं हो, जल्दबाजी ना हो बस, कश्यप चली जाओ, आराम आराम से, आराम आराम से कश्यप, स्क्रॉल आहिस्ता से, जल्दबाजी ना हो ना, कश्यप उठो कश्यप, कश्यप कश्यप यू कैन डू इट, सही है, बस थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया, उठो उठो, चल 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 चल, आराम से, ध्यान से, या या या, जल्दबाजी नहीं होना कश्यप, कश्यप उठो, नजर रख, कश्यप जल्दबाजी नहीं होना, अबे नहीं ध्यान से, कश्यप बहुत कम रह गया, कश्यप थोड़ा है, ध्यान से ध्यान से, दिल तो टूटेंगे ही लेकिन अंडा मत छोड़ना, मैं तो टास्क जीत गई, मैं तो खुशी से पागल। मुझे डिसअपॉइंटमेंट के साथ थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही थी, कह रही कश्यप ये क्वीन, मतलब इसका कैलिबर है, इसका स्टैंडर्ड है, इसकी शक्ल है कि ये क्वीन बने। खैर कश्यप मोहतरमा बन गई क्वीन। अब ये बात तो मुझसे हजम नहीं हो रही कि ये इसकी हालत देखो, मैं इससे हार गई यार। और मुझे अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी एक को ही जीतना था। कश्यप को बिठाया गया क्वीन की चेयर पर, और जब कश्यप को ये बात बोली गई कि किसी को नॉमिनेट करना है, उस मोहतरमा ने अपनी औकात दिखाई। कश्यप इतनी हिम्मत,
मैं तो कह रहा था हार मान लो, क्यों नहीं मान रही थी? नहीं, मैं नहीं मान सकती थी क्योंकि मुझे जब मुझे इतने सारे लोग पहले बोल रहे थे मैं नहीं कर सकती, फिर सबने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगी, अगर नहीं भी कर सकती तो इन लोगों की जो ये लोग मुझे बोल रहे थे उससे मैं कर लूँ, मोटिवेट से जो मुझे था मैं कर लूंगी। जबरदस्त हो गया सर, कल तक जो बर्गर नहीं दे रहे थे सर आज वो मोटिवेट कर रहे थे, कल तक बर्गर नहीं दे रहे थे आज बैठ बैठ के उठ उठ के छलांगे मार मार के मोटिवेशन दे रहे थे सर। तो कशफ, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप चाहती हैं कि वो बैग पैक करें और चले जाएं? क्वीन, मैं चाहती हूँ सब चले जाए, मैं विन। बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सब बैकपैक करें और घर जाएं और मैं विन होके घर जाऊँ। सोच लें एक दफा दोबारा। हाँ, मैंने सोच लिया। तो क्वीन, जिसको सब चेयर अप कर रहे थे अब वो सबको निकाल रही है और ये है अकलमंदी। ये निकल सकते हैं, इसके बाद नए लोग आ सकते हैं लेकिन ये निकल जाएंगे। तो जो जो चेयर अप कर रहा था, कम ऑन कशफ, कम ऑन, कैसा लग रहा है? आप सब बाहर हैं अब और मैंने कहा था आप फाइनल डिसीजन होगा। जी कशफ, ये सब बाहर, आप एक भी निकाल सकती हैं, सबको भी निकाल सकती हैं। तो आज ऐसा होगा पहली दफा के रियलिटी शो में सारे कंटेस्टेंट बाहर। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि मैंने कहा लंबी नहीं करते, चलते अपने अपने घर, मजे करते, घर भी जा रहा है। जबरदस्त हो गया। तो इसका मतलब 1 करोड़ रुपए आपके और टाइटल चैंपियन का, चैंपियंस का चैंपियन कशफ के लिए तालियां होनी चाहिए। आप लोग अभी भी तालियां बजा रहे निकलने के बाद। बिलाल, आप सबसे ज्यादा कह रहे थे कम ऑन कशफ, कैसा लग रहा है निकलकर? सर मुझे ये कोई मतलब वो नहीं है, मतलब था लालच, था, झूठ नहीं कहूंगा कि रहने का, लेकिन कशफ का लालच था नहीं, मतलब मुझे उम्मीद थी कि कशफ मुझे एलिमिनेट नहीं करेंगी बस। तो अब तो कर दिया। अकलमंद वही होता है जो सबको एलिमिनेट करे। आखिरी बात, सबने क्या क्या बोलनी है, ये अच्छी बात हो गई क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, उनको वापस लाने में मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जी दानिया, क्या कहने चाहेंगी, शो से बाहर जा रही हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं यही बस कहना चाहूँगी कि कशफ, क्योंकि शायद कशफ ये माइंड में नहीं ला रही कि हम सब जाएंगे तो और लोग आ जाएंगे, क्या पता वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और उनसे इसकी बॉन्डिंग भी ना हो, तो शी शुड प्ले स्मार्टली। उसको अगर ये लग रहा है कि उसको अभी 1 करोड़ मिल जाएंगे हम सब बाहर चले जाएंगे। नहीं, अभी के लिए वो बाहर कर सकती है, 1 करोड़ मिले ना मिले, अभी के लिए तो बाहर हो रही है। जी और कौन चेयर अप कर रहा था? जी रुबाइशा की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। जी रुबाइशा, कैसा लग रहा है निकल के? असूली तौर पर ज़्यादा मुझे उसको तो निकाल ही देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा चेयर अप कर रहा था। आपको ये नहीं पता था क्वीन बन के ये आप लोगों को निकाल सकती है? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये मुझे निकालेगी। उसने आपको नहीं निकाला, सबको निकाल दिया। नहीं, उसने अपनी तरफ से सही खेल रही है, लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि ये सबको निकाल देगी तो फिर तो मैं शायद नहीं करती। टॉप 4 ऐसे कौन से लोग होंगे कशफ जिनको तुम चाहती ये तो निकले ही निकले? टॉप 4 सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगी सिद्रा का, पता था। दूसरा बलाज, और उसके बराबर में रेहान। तो अब ये होगा कि चैंपियंस के बाकी जो लोग नहीं आ सके वो आएंगे और आप सबके बैग पैक होंगे। किसी ने कोई खास बात बोलनी है तो बोल सकता है अभी। डेयरिंग शो में आके इतना कमजोर होने का सबूत दे दिया, थैंक यू। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग, जो मुझे आगे जाके मुझे लगता है कि मेरी टक्कर पे आके मुझे हरा सकते हैं, जबकि मैं किसी को भी अपने लेवल का नहीं समझती, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं हो सकता है मैं सबसे नीचे हूँ तो, लेकिन मुझे जैसा लगा डिसीजन लेना मैंने वैसा भी यहाँ अभी अलाउड बोलिएगा। वैसे तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि कशफ मेरा नाम तो डेफिनेटली लेने वाली, क्योंकि कशफ को मैं एक आँख भी नहीं अच्छी लगती, उसकी आँख में मैं कांटे की तरह चुभती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उसको मोटिवेट किया, मुझे ये नहीं उम्मीद थी कि ये सबको निकाल देगी। यहाँ बन गई कशफ क्वीन और वो बात करिए सबको निकालने की। बस तभी मैंने फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि कशफ की आँख में सबसे बड़ा चुभने वाला पत्थर तो मैं ही तो हूँ। पत्थर भी नहीं, कांटा जो चुपता रहता है। खैर कोई मसला नहीं है, बस यही कहूंगी मैं। जबरदस्त हो गया कशफ क्वीन, बहुत मुबारक हो, सबको आपने निकाल दिया है, हमारा काम आसान कर दिया है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। सोचे क्या गड़बड़ हुई होगी। ब्रेकिंग न्यूज़।
मुझे लगता है कि जब आपने बिला उसको क्या कहते हैं रेहान को वो करा था तो मुझे वो हो रहा था कि नहीं और क्या गड़बड़ हुई और क्या गड़बड़ कहते हैं जब पावर हाथ में आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कहते हैं जब दौलत शोहरत इनमें से कोई चीज आती है तो इंसान का असली रूप सामने आता है वो आपका असली रूप इनके सामने आ गया लेकिन गड़बड़ क्या हुई आप दोनों से पावर वापस मेरे पास कैसे आई पावर मेरे पास ऐसे आई मैं आपसे क्या कह रहा था हार मान लो कह रहा था ना क्यों कह रहा हूँ मैं अंडा कहाँ गया था बाहर जो कि नहीं जाना था एक और चीज याद रखे अंडा यहाँ नहीं निकलना चाहिए हार भी मान लो तो क्या फर्क पड़ता है राबेल का अंडा टूटने से पहले आपका अंडा बाहर हो गया था जी। तो फिर क्वीन कौन है? तो चैलेंज तो वहां खत्म हो गया था मैं कह रहा हूँ हार मान लो आप कह रही हो नहीं करना है ये चेयर अप कर रहे हैं करना है और क्वीन बन के तुमने ये क्या किया मैंने तो कहा और फिर जो उसके बाद हुआ ओहो फिर ये हुआ कि फाइनली वकार ने आगे शीशा उसके सामने रखा और उसकी खाल उतार दी कि तू खोती है और तू खोती रहेगी ये वकार जका का शो है इसमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और कुदरत बाज दफा उसके खिलाफ हो जाती है जो घमंडी हो जाता है तो थोड़ा सा घमंड आया तो पावर सबकी खत्म पावर्स मेरे पास वापस है जो एलिमिनेट हुए लोग उनके नाम मैं अब आपको बता रहा हूँ जो फाइनली यहाँ से जाएंगे बालाज जाएंगे रेहान जाएंगे जिशान जाएंगे सिद्रा जाएंगी तूबा जाएंगी तो कहानी वही दोबारा वापस क्यों तो जब भी पावर आप लोगों के पास आया करे तो उस पावर का इस्तेमाल सही तरह किया करें अगर आप सही भी बात कर रही होती तो शायद हम कहते नहीं यार तीन चार को एलिमिनेट कर रही है ठीक बात कर रही होगी चलो बेटा सीट तो छोड़ो पहले सीट लो क्वीन की वापस उठ जा तू निकाल रही थी हमें कश्यप तुझसे उम्मीद नहीं थी मैं तो मैं क्या बोल रही थी जिसके पास पावर आती है उसके सारे अगेंस्ट हो जाते हैं कश्यप यू आर सच अ वियर्डो वर यू आउट ऑफ योर माइंड जब तुम ये कह रही थी कि मैं सबको निकाल दूंगी मैं क्वीन बन गई हूँ और सब एलिमिनेट हो जाएंगे और मैं जीत जाऊंगी गेम गॉड यू रियली थिंक इट्स वी गोना प्ले लाइक दैट सेकेंडली क्वीन ऑफ नोवेयर मासी ऑफ एवरीवेयर बाकी लोग तैयार हो जाए रात को हो सकता है आपके लिए एक पार्टी वेट कर रही हो करना आप लोगों ने अब ये है आप लोगों का एक चैलेंज है जिसमें आप लोग जाएंगे और वहाँ पर स्टाइलिश तरीके से जो भी आपने कपड़े पहने हैं उसमें आपको शूट करेंगे एक दफ़ा गाना चलेगा उस पर आपने सिंग करना है उसके बाद आप सबको मौका दिया जाएगा कि आप एक साथ जो है थोड़ी देर पार्टी करें उसी गाने पे जैसे मर्जी करना चाहें फिर खाना होगा ज़िंदगी में एक बात याद रखें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है स्ट्रगल और और ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए अच्छा ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए आगे बढ़ाने के लिए चूना लगाना पड़ता है लोगों को चूना लगाना पड़ता है लोगों को पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है मेन चीज आपकी जो जिंदगी है अब आप चाहते हैं ये आगे आपका नाम चले तो कैसे चलता है सेल्फ ग्रूमिंग सीवी बनाते हैं सर सीवी क्या करें सीवी बनाते हैं हम लोग मतलब आगे काम करने के लिए कुछ भी दिखाने ताकि आपका नाम आगे बढ़े या कोई देखे या। तो जिंदगी में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए आपको सीवी बनाना पड़ता है ठीक है जी बिलाल क्या करना पड़ता है आई थिंक अपने माइंड से खेल के दूसरों को पीछे करके खुद आगे आना पड़ता है और अपना खुद नाम आगे बढ़ाने के लिए ओके जी लोगों को चूना लगाना पड़ता है और टोपियां करानी पड़ती हैं अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए आई थिंक शादी करना जरूरी है नाम आगे बढ़ाने के लिए ठीक है खुद को प्रूफ करना पड़ता है नाम आगे बढ़ाने के लिए जी अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है वे ऑफ टॉकिंग और ड्रेसिंग पे खास तौर पे काम करना पड़ता है जी चांसेस लेने पड़ते हैं लाइफ में और जब आप उन चांसेस पे पूरे उतरते हैं तो आपका नाम इस तरह आगे बढ़ता रहता है हर चीज को फेस करना जरूरी पड़ता है आई बिलीव हार्ड वर्क बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए अपने एम्स और एम्बिशंस को टारगेट करना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए नाम आगे बढ़ाने से क्या मतलब होता है कुछ करना जिंदगी में
हमाद ने क्या बोला? शादी करना। क्या कहा जाता है, आपने अगर अपना नाम आगे बढ़ाना है तो आपकी औलाद से आपका नाम आगे बढ़ता है, तो सीवी बनाने से कैसे बढ़ेगा? हार्ड वर्क से कैसे बनेगा? आप सिर्फ इस शो की हद तक सोच रहे होते हैं ना, तो अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है, और सबसे बड़ा ज़िंदगी में चैलेंज और डेयर ये होता है कि आपको पता हो कि जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो वाकई आपसे सिंसियर है या नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये होता है जब आप शादियाँ कर लेते हैं, पता चलता है चीटर है जो भी लाइफ पार्टनर, चाहे लड़की हो लड़का हो, होता है, सुना होगा अपने दोस्तों में, किसने सुना है कि नहीं नहीं 100% सही होता है, कोई चीटिंग नहीं होती? ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो इस शो का मकसद जो है वो ज़िंदगी में जो चैलेंजेस और अनफेयर सिचुएशंस मिलती हैं उनको इस शो में दिखाना है और उनको फेस करना है। यानी वो इंसान जो अपने जीवन साथी को चुन सकता हो या अवेलेबल जो भी आपके पास लोग हैं उनमें से देख सकता हो कि ये नहीं होगा कभी भी मेरा लाइफ पार्टनर, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये आपके रियल लाइफ पार्टनर्स हैं या ये आपके लिए पार्टनर्स बन सकते हैं। क्लियर है? हमें यह देखना है कि आप में से कितने लोगों में एबिलिटी है कि अगर आपको ये कहा जाए कि अपना लाइफ पार्टनर ढूंढें और ये अवेलेबल लोग हैं तो इनमें से आप किसको चुनेंगे और किसको कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका कोई लव अफेयर चलाना चाहते हैं, इसका मकसद ये देखना है कि आप किसी को सिलेक्ट करते हुए क्या सोचते हैं और किसी को रिजेक्ट करते हुए कि नहीं ये नहीं। क्लियर हो गई ये चीज़? जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से डिनर पार्टी और पार्टी के बाद जब आप वापस आएंगे उसमें लाइफ पार्टनर्स जो भी आप चुनना चाहते हैं आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक के साथ टाइम नहीं सिर्फ गुजारने लग जाएंगे, आप हर एक से बात करके देखेंगे कि यार ये ठीक लगता है नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में सोशलाइज करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिससे बात की वो ये क्लेम कर दे कि यार मुझसे तो उसने बात कर ली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि आप घर पे बैठें तो घर पे ही आपका सब कुछ हो जाए। जब आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों नहीं है पार्टनर आपका, तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये डेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे कि भाई आप डेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं कि आम जिंदगी में एक सिचुएशन मिली है, यहाँ मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, 10 हैं तकरीबन, एक इसमें जो है उस पर कुछ लिखा हुआ है, बाकी सब खाली है, ये मैंने कर दिया शफल। एक एक करके उठाना है, देखना नहीं है, देखने के बाद नीचे रख लेना है। एक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, याद रखिएगा, जब मैं गो बोलूं टेबल नहीं टूटनी चाहिए, एंड गो। जिंदगी में छीना झपटी ऐसे ही होती है, जिसके जिंदगी में जो आ जाए कार्ड उठा लो। अबे खैर है, बड़ी बदतमीजी है वैसे ये भाई। तो पहली चीज तो ये नजर आ गई कि आप में से आधे से ज्यादा में तमीज है ही नहीं बिल्कुल। 10 कार्ड थे ना, एक एक करके उठा लेते, मैं आपको एक एक करके भी दे सकता था, मैंने इसलिए रखा कि मैं देखूं कि आप लोग क्या चाहते हैं जिंदगी में। क्या है आपके कार्ड में जो भी है? ब्लैंक है। आपके क्या है? कुछ भी नहीं, खाली है, कुछ ही नहीं। I can freeze for 2 minutes। इसका मतलब ये कि हमाद के पास ये पावर आ गई है, जिस टाइम भी इसका दिल करेगा ये खड़े होके बोलेगा फ्रीज। तो क्या मतलब इसका? हम सब फ्रीज हो जाएंगे, सब जिस पोजीशन में होंगे, कपड़े चेंज कर रहे हैं, बाथरूम में है, यहां है, कैमरे की आंख के अगर सामने है तो आप फ्रीज हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। जो इसकी बात पे फ्रीज नहीं होगा, कैमरा नोट कर रहे हैं, वो जितना नोट होता जाएगा शाम को वो एलिमिनेट होगा। डिनर पार्टी से पहले वक्कार भाई ने बोला कपल बना लो, कपल बना लो, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो। अब लड़कियां थी 6 और हम लड़के थे 4। लड़कों के लिए थोड़ी सी ऑप्शन ज्यादा है, लड़कियों के लिए कम। जो लड़कियां बच जाएंगी, मतलब कि जो लड़कों के साथ पेयर अप नहीं हो सके, तो वो एलिमिनेशन जोन की तरफ होंगी। वन थिंग आई वांट टू से कि इस टास्क को सिर्फ टास्क की तरह लिया जाए, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ पार्टनर्स नहीं है, पार्टनर्स हैं। तो अगर ये जो मैंने इतनी लंबी अभी तकरीर की है उसका क्या मतलब? दिमाग में ये नहीं, किसी के दिमाग में भी नहीं है, किसके दिमाग में आया है? आपको लगता है जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की है, ड्रैग किया है, तो उसमें क्या समझाने की कोशिश की है कि एक ड्रामा सीरियल जैसे होता है, उसके अंदर अगर एक सिचुएशन मिलती है, और अभी डायरेक्टर मैं नहीं, आप लोग खुद हैं, सिर्फ यही फर्क है ना, तो ये कहां से किसी के जहन में आ रहा है कि मैंने ये कहा कि आप रियल शादी करके बैठ जाएंगे या रियल पार्टनर्स होंगे आपके? किसको लग रहा है ये रियल है? सिचुएशन है ना,
क्या आप जिंदगी में ऐसे करते हैं कि अंडा रख के यूं नाक से रगड़ के लेके जाएं? नहीं होता ना, सिचुएशंस हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है, इसमें कल दोपहर के खाने तक आप लोग डिसाइड कर लेंगे, पहले से नहीं करके रखेंगे कि ये हो गया। हम ये नोटिस करेंगे कि हर एक ने हर एक से बात की है या नहीं की है। क्लियर है ये? यस। ये अगर हुआ कि जी मैंने तो पहले से सोच लिया है, बस ये कपल है मेरा, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे आप कह रही थी कि लड़की लड़की पार्टनर बन सकते हैं, क्या हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? नहीं नहीं, जिस जगह रहते हैं उसी हिसाब से ही होना चाहिए सब कुछ। और अगर कोई किसी को ऑफर करे और वो रिजेक्ट कर दे, वो फिर उसमें आ जाएगा, डेंजर जोन में आ जाएगा। आपको एट द एंड ऑफ द डे पार्टनर बनाना है। अब गर्ल्स ज्यादा है ना बॉयज का, मैं तो फिर तो माशरे में वैसे भी लड़कियां ज्यादा है, तो फिर एक मर्द दो शादियां, दो भी कर सकता है, एक मर्द दो शादियां कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपने ट्रिक पहले ही बता दी, आपको बताना नहीं चाहिए था। अब इस सिचुएशन में अपनी मर्जी से जिसको जो लगता हो वो कर सकता है वो। ओके, जो पार्टनर बन जाएगा वो फिर बाकी शो तक वही रहेगा। अगर कोई लड़ रहा है और फ्रीज कर दिया तो लड़ाई चल सकती है, मतलब मुंह से चलेगी फिर हाथ तो रुक जाएगी, मुंह से चलेगी ना, फेयर होगी चलना तो मुंह से चलेगी, तो फिर तो लेंगे पूरा ही ना सर। भाई पेयर में एज भी डिफरेंट देखना है या नहीं? सारी बड़ी बड़ी है, वैसे यही एज की है। आपको लगता है कि अगर कोई लड़की बड़ी है तो उससे प्यार नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो पहले से सबने बहन बनाया हुआ सिचुएशन, तो पहले से पहले दिन से किसी ने किसी को शोहर भी नहीं बनाया हुआ यहाँ। आपको एक सिचुएशन मिली, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे, जैसे आपको एक डेयर मिलता है कि आज आपने जाके थप्पड़ खाना है, तो थप्पड़ आप खाते हैं क्या लोगों के पास जाके? एक सिचुएशन थी ना, ये तो आसान सिचुएशन है, और ये तो वो सिचुएशन है जिसमें आपको प्रैक्टिस खुद होनी चाहिए। कल को चल के आप शादियां करेंगे ना कहीं तो उसकी कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा ना, और वो क्राइटेरिया उन्हीं में लोगों में से होगा जो अवेलेबल लोग होंगे। तो समझें बस, दुनिया में ये लोग बचे हैं। अगर कोई दूसरे से चिड़ खा जाएगा तो इसका मतलब दूसरे का पूछने का अंदाजे बयां ठीक नहीं है। भाई अगर सारी लड़कियां एक लड़की के पास चली गई फिर? ये तो फिर इन्हें बाद में फिर पता चलेगा क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कपड़े नहीं पहने मैंने। प्लीज यार, लेट्स प्ले दिस ट्रस्ट, बहुत फन। प्लीज अबे हील शील पहन के खड़े होंगे, फ्रीज फ्रीज ना कर देना भाई। तो डिनर पार्टी में मैंने की फ्लर्टिंग लड़कियों के साथ, मैंने कहा देखूं कौन अच्छी लगती है मेरे साथ, कौन अच्छी बंदी है जो मेरे साथ सूट करेगी। प्रॉपर फील हो रहा है कि हाँ वाकई बाहर आए। अब खा रहे हैं, यहाँ पे बैठे रहेंगे। एवरीवन फ्रीज। इतने टाइम बाद अच्छा खाना मिल रहा था, सुकून से बैठे हुए थे, लेकिन उसके अंदर का जो कीड़ा है ना, कीड़ा नहीं अजदहा पूरा, वो मरा ही नहीं था। खुद तो खाना खा रहा है ठीक है, ठूसे जा रहा है और हमें बीच में कर दे फ्रीज फ्रीज फ्रीज। मैंने कहा भाई थोड़ी शर्म कर ले, इतनी गैरत नहीं है कि खाना रखा है और तुम ये हरकतें कर रहे हो, मतलब खाना तो यार सुकून से खाने। ओह माय गॉड, खाना खराब। मम्मा यू गोना पे फॉर इट, यू गोना पे फॉर इट। यार काम तुम लोग कर लो। नॉट फेयर, पता है खाने के टाइम ये इस तरह की हरकतें सूट नहीं करती। या बताओ जल्दी, हो गए अब नहीं करना, खाना खाने दे दे प्लीज। अबे क्या कर रहा है तू, एक उठाना चेस्ट पीस ले रहा हूं ना। बेटा रुक जा, शो खत्म भी होगा। हाँ होगा। रहना तूने कराची में नहीं है फिर? नहीं मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगा। हमाद हमाद इट्स ओके, डोंट फाइट फर्दर। एम आई प्लीज डोंट। पता है मेरा किसी से कोई पर्सनल ग्रज यार, ये पर्सनल ग्रज के एटलीस्ट इतने दिनों बाद गरम खाना मिल रहा है, तबीयत वाला खाना तो खाने दो भाई। हो गए, अल्लाह करे तू भी फ्रीज हो जाए। सबसे पहले रुबाशा के साथ मेरी बातें हुई, रुबाशा के साथ बातें तो हुई लेकिन दिल नहीं कर रहा था यार, ये बंदी अच्छी नहीं लगी अपने साथ। फिर अब्या ने लाइन मारी आपके भाई पे, अब्या ने लाइन मारना शुरू की। अच्छा तुम तारीफ करने को फ्लर्ट तो नहीं समझती ना? मैं ओपन माइंड हूँ इस मामले में, मुझे फ्लर्ट करना पसंद है, मुझे फ्लर्ट सहना भी पसंद है। आई लव प्योर क्लास, लाइक लड़के में होनी चाहिए क्लास। आप लड़के को दूर से देखो ना, लाइक आप उसके साथ कहीं आप घूम रहे हो कुछ भी, ही शुड बी क्लासी, उठ रहा बैठा जो भी है उसमें क्लास होनी चाहिए। बात सुनो, ये हरकतें ना करो, समझ आई? अपना टाइम भी आएगा तू देख। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आएगा तो तुम उतार लेना, तुम ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा करूँगी, तुम तो भूल गए हो
कल तक तो बड़ी तमीज में थे। मैं अभी भी तमीज में हूँ। मैं जैसी हूँ फर्स्ट थिंग मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो। लड़कों से दोस्ती करती हो? अफोर्ड कर लड़कों से दोस्ती करती हो? बॉयफ्रेंड और तो मुझे पहले से नहीं, कभी भी नहीं है। और कभी भी नहीं आपने मुझे कंसीडर करी? मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल ऐसे ही बचपन के बताए। 18 के आगे बात नहीं मैंने क्यों ना, मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल बड़े कुंवारे पन में गुजारे हैं, क्योंकि मुझे जिस तरह का जो लड़का पसंद है वो कभी नहीं मिला। और एक्चुअली नहीं नहीं जिस तरह का लड़का मुझे पसंद है मुझे कभी मिला नहीं है। और एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स लड़कों को देख के बहुत ज़्यादा, हाँ मुझे वो जो होते हैं ना वो रोड पे खड़े हुए जो जिस तरह से वो सड़क छाप लैंग्वेज होती है उस तरह के लड़के मुझे नहीं पसंद। अपन अपन वाले नहीं नहीं अपन अपन वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक्चुअली मुझे ना उस तरह के लड़के पसंद हैं जिनमें एक थोड़ा चार्म हो, उनकी पर्सनैलिटी हो, एजुकेटेड हो और ट्रस्ट करने वाले हों, झूठ बोलने वाले बिल्कुल ना हों, सच बोल सकें। मुझसे कोई लड़का सेट हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं था। खैर बड़ी कोशिश की, एटी चोटी का जोर लगा के, मक्खन लगा के, आंखों से इशारे करके, लबों पे मुस्कुराहट ला के, हर तरह से घुमा के, लेकिन फिर भी लड़के मुझसे सेट नहीं हुए। मैं भी ऐसा ही हूं, इसे कभी नहीं छोडूंगा। सांस से अमीर हो आप, देख लिया होगा गरीब ना, देख लिया होगा फर्स्ट डे मेरा सांस फूला था, फिर तुम हैंडल नहीं कर पाओगे ना गरीब को। नहीं एक्चुअली नहीं, जो जिस तरह से मेरा दिमाग है तो मैं सोच बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। मैं बातें हां क्या जिसको चूज करोगे आप ही से उसके साथ गुजारना। सेकंड थिंग बिल्कुल लड़े मुझे ट्रैवलिंग और मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है। मेरी रोक टोक नहीं करे अभी आप इधर नहीं जाए, मतलब क्रेडिट कार्ड तो मैं दे दे। हां अपना क्रेडिट कार्ड तो उसका क्रेडिट कार्ड पे क्या, उसकी पूरी हर चीज़ पे मेरा हक होगा। और एक और चीज़, मुझसे कोई चीज़ छुपाए ना, जो वो करे वो खुला बोले कि मैंने ये किया ये नहीं, मुझे झूठ नहीं पसंद। तुम गोल्ड डिगर तो नहीं हो ना? गोल्ड डिगर पार्टनर्स बनाने की बारी है। अभी हाँ मेरे पास जब आई और उसने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू बी पार्टनर विद यू, मैं तुम्हें थ्रू आउट सपोर्ट करती रहूँगी पूरे गेम में, बट मैंने दिमाग में पहले सोच लिया था कि मैंने किसको पार्टनर बनाना है, तो इट वाज ऑब्वियसली अ नो फ्रॉम मी। मुझे बुरखे वाली लड़कियां पसंद नहीं है। कैसी वाली? बुरखे वाली लड़कियां पसंद नहीं है। बुरखे वाली नहीं पसंद। मैं सोच रही थी यार कपल किसको बनाऊं, बातें तो हमने जो है सबसे ही मटकानी है। अब मेरे बराबर में बैठा था बिलाल, मैंने गई मैं बिलाल के पास, भाई वो बंदा तो मुझसे भी बड़ी बड़ी सोचें रखता है भाई। उसने तो पता नहीं क्या सोचा हुआ कि उसको कैटरीना कैफ मिलने वाली है, वो तो ये सोच के बैठा हुआ है। मैंने सोचा चलो इससे बात करके पूछ लेती हूँ कि क्या चाहता है, इसकी लाइफ में क्या है, क्योंकि मैं कभी भी इंसान के वजूद से देख के इंसान का अंदाज़ा नहीं लगाती। जो भी हो उसकी मर्जी हो, चाहे वो स्कर्ट पहने, कोई भी हो, क्योंकि मैं समझता हूँ उसकी मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं क्योंकि मैं समझता हूँ उसकी आंखों में हया होनी चाहिए, ना कि कपड़ों के लिहाज से वो लगे कि उसकी हया जा रही है, पर्दा जा रहा है। मतलब वो किसी भी मर्द को देख के अपनी आंखों में हया ला के यूं यूं कर ले? नहीं भले बातचीत करे कोई मसला नहीं है, लेकिन सच बोल के जाए, झूठ बोल के ना जाए। लेकिन जो अंधा प्यार हो जाता है मतलब लड़कियों को ज्यादा होता है ना, लड़कों को नहीं होता। लड़के सिर्फ नाटक करते हैं, अंधा प्यार नहीं करते यार, तो सेंसिबल कहते हैं, दिमाग से प्यार। लड़कियां ज्यादा हो जाती हैं सेंसिटिव, वो क्या होता है वो तो जाती है यार। वैसे ये भी बड़ा जबरदस्त होगा तुम ना करो। नहीं भाई ना रावल, ये मीम चाहिए, ये मीम चाहिए, चाहिए। लेकिन बहन मैं बड़ी अजीब बंदी हूँ, मुझे मर्द ही चाहिए। सीधी बात, लंबा चौड़ा हो, नहीं भी हो, नहीं हो तो मिस्टर ग्रे भी मेरा चलेगा। अच्छा मारी, अगर मैं आपको पार्टनर बनाना चाहूँ तो हमारी डिनर पार्टी है और मुझे अजीब और गरीब नमूने एलियंस की शक्लें देखनी पड़ रही है। बिलाल, हमाद, आमिर और याया। ओ गॉड, मुझे तो एंग्जाइटी होने लग गई है। ये है कि मुझे जो है वो आप टाइप की जो लड़की है ना, आप जो टाइप की लड़की हो वो अच्छी लगती है, लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर के लिए नहीं, दोस्ती यारी के लिए। सॉरी तुसे, अच्छा ये मेरा थॉट है। अच्छा मतलब मेरे जैसी मोटी लड़कियां? नहीं मोटी यार देखो, मोटी बदली का मैंने बोला ही नहीं, फिर मैंने बोला कि आप जैसे जॉली टाइप हो ना, हाँ। वैसे दोस्त अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि मोटी लड़कियों को कोई प्यार व्यार करता नहीं होगा। चलो मैंने कहा चलो उसकी जो दिल की बात है वो रख लेते हैं और उसको आई लव यू बोल देते हैं। लेकिन यार मैं तो उंगली दे रहा था, वो तो पूरा हाथ ही खींच रही थी, मतलब इतना फ्री हो गई। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला कि भाई जा, मैंने सोचा जा सान तुझसे कौन बात करता है। भाई मुझे पार्टनर बनाने से बिलाल ने मना करी तो मुझे अब किसी से उम्मीद नहीं है।
अब मैं सोच रही हूँ मैं किसी से बात ना करूँ। सब ने तो ऐसे लाइनें कराई, हम आज जिसको मैं समझ रही थी कि यार ये तो मिडल में है, वो उस टाइम जो बातें कर रहा था वो तो कोई पता नहीं कौन सी मूवीज देखता है यार, ये ऐसी बातें की इसने मुझे कि मैं मतलब अगर मुझे पता ना होता ना कि ये है आपा तो शायद मैं भी पिघल जाती, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, मैंने बोला यार ये नहीं। स्टॉप एवरीवन, सिंस आई एम टॉकिंग टू यू नो माय नहीं नॉट लाइफ पार्टनर द बोल हाउस पार्टनर, तो यार आप लोग बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो, स्टॉप योर मूवमेंट्स एवरीवन बिकॉज आई हैव फ्रीज्ड एवरीवन। आप तो मूव कर सकते हैं, आपके लिए तो सबको कबूल है, कबूल है, कबूल है। आई एम गेटिंग माई रिएक्शन, बिलाल मूव है, अच्छा लड़कियों कैसे लोग पसंद होते हैं, उनको लेके जैसा तुम्हारा जो मस्ता था उनको लेके पसंद हों, उनके साथ ये मसले हों कि बस वो बोले जो है वो ये। When I you know मतलब I talked to my mother when I was I said यार जो हम लोग ऑडिशन में सोच रहे थे ना देख के यार नहीं अम्मा ने यार प्लीज इस तरीके से डोंट टॉक टू हर या ये वो यू आर वेरी बोल्ड और ये वो, तो मम्मा ने कहा नहीं गालियां वगैरह भी कुछ इस तरह से। यार मुझे समझ नहीं आता, हर बंदा जो भी मुझे देखता है उसको लगता है कि ये शायद बहुत गुस्से वाली है। देखो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, मुझे जितनी जब भी गुस्सा आया मुझे गलत बात पे, तुमसे मेरी अभी तक लड़ाई हुई, तुझसे मेरी लड़ाई हुई अभी तक, मतलब इसको मैं सुना भी देती हूँ उसको भी सुना देती हूँ, लड़े इग्नोर। ओके आई टेल यू वन थिंग, माई सिस्टर इज अ मॉडल टू, मैं ये नहीं कह रही कि ओके शी इज अ टॉप नॉच मॉडल, पर शी इज डूइंग फाइन, शी इज डूइंग ग्रेट गुड ब्रांड्स, पर राबिया को तो मैंने कहीं नहीं देखा आज तक ना मॉडलिंग में ना कुछ, क्योंकि जब भी वो कहती है कि हम भी पता नहीं कोई चीज़ है, हम भी ये चीज़ है, अगर वकार सका है तो हम भी पता नहीं क्या है, तो मैंने तो आपको कहीं भी नहीं देखा, अब कहाँ की मॉडल है, सीक्रेट। फाइंड अ गुड पार्टनर इन यू, ही कैन यू नो बी विद मी फॉर लाइक 30 डेज एंड विल स्टैंड बाय मी, बट आई वांट यू 30 टू 20 डेज, बट आई वांट यू टू ट्रस्ट, लेकिन आई एम अ वेरी पोसेसिव पर्सन, ये तुम इधर उधर मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो औरों के साथ कम लोग घुस के बैठे होते हो। नो आई विल नॉट, हम एक बातें कर रहे हैं, I will not. Definitely. Plus and और फिर मेरा temper ऐसे lose होता है ना? हाँ, you will. यार, I will be okay with it, but कि वो मौका ही नहीं दूँगा ना? हाँ, I like it. And you know, I want you to trust on me. If someone is saying anything, तो confront me foreign. और उस बंदे से तुम बड़े उससे बोल सकते हो? मेरी मारिया से पहले बहुत सारी बातें हो चुकी थी कि उसको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, आई न्यू अबाउट हर, उसको डिसेंट लड़के पसंद हैं, उसको ऐसे लड़के पसंद हैं जो उसका काम करें, उसकी बात सुने, वो अगर कुछ बोल भी दे तो कुछ ना बोलें, तो आई डिड ऑल द थिंग्स, तो मुझे पता था कि पार्टनर वाले टास्क में कोई कुछ भी कहे, मैं जब मारिया के पास जाऊँगा शी विल ऑब्वियसली से यस टू मी, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और कोई बता, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तुम बेड पे सो रहे हो, मेरी चीज होगी। याया बहुत 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 दिल का अच्छा है, ये नहीं है कि वो माजूर है, मैं उसके ऊपर वो खा के चली गई, ये बात हकीकत है कि वो दिल का बहुत अच्छा है, मैं गई उससे, उसने मुझसे खुद, उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि कश्यप हम लोग जो है पार्टनर बनेंगे। तो ये रखा, ये बात समझ गए, तू लड़ती किसी कोई और होता मेरी जगह, तुम बोलते हो कोई और होता, कभी भी मेरे बेस्ट फ्रेंड से सो रही। फिर मेरी याया से बातचीत हो गई थी, इवन के बिलाल ने तो मुझे नीचे बैठ के प्रपोज किया। If you don't mind, I have something to ask for you. Please, थोड़ा पीछे हो जाओ, डर ही नहीं। I love you and will you marry me? No. अबे मैरी।
चैंपियन मुझे दे दिया, थैंक यू। ये बाद में डिसाइड करते हैं। विल यू मैरी मी? हां, पहले दो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए। यस और नो? अभी दो ऑलरेडी लाइन में, दो इधर भी लाइन में, दो रियलिटी में भी लाइन में। जाऊं करूंगी मैं थर्ड से। आपका आंसर क्या है? हां यार, आंसर तो कल पता लगेगा। अब हमारा एक और डेयर, डेयर पे डेयर, डेयर पे डेयर। मैं तो परेशान आ गई। मैंने बोला यार क्या जिंदगी थी हमारी घर में, यहाँ आने के बाद तो हमारे डेयर ही खत्म नहीं हो रहे। अब आया एक और डेयर, ये डेयर बहुत इंटरेस्टिंग था। इस डेयर में पता है क्या करना था? डीजे शैडो जो है उनके गाने पे हमने लिप सिंक करके डांस करना था। और उसके बाद हुई हमारी पार्टी। पार्टी में जो डांस आपके भाई ने किया, सबसे पहले जो डांस किए वो कोई कर भी नहीं सकता। आसमान लगने लगा हाईवे मेरे यार, बादल ये दिखने लगे रे सरकार। चल रहा हूँ उड़ रहा हूँ आए समझना, गालों पे प्यार से तू पुंछ कर बोले तो बोल। घर है घन चक्कर, फादर ना मदर, मैं हूँ बस नहीं तो सरकार। मस्ती मस्त है, जबरदस्त है, हर कोई देखो चिल्ला। Bowl, 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 house. Bowl, 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 house. बब्बर शेर है, पल में उड़ा देगा तोते तेरे, चैंपियंस ऐसा ही खेल है। घर है घन चक्कर, फादर ना मदर, मैं हूँ बस नहीं तो सरकार। मस्ती मस्त है, जबरदस्त है, हर कोई देखो चिल्ला रहा। बोल 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 हाउस। बोल 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 तो बोल हाउस। तो भाई जब हमें 24 घंटे का आराम मिला तो भाई सब सारे ऐसे लग रहे थे आराम से, लेकिन मैं भाई मैंने बोला कि सब आराम से ना रहो, ये 24 घंटे का हमें आराम इसलिए मिला है ताकि जो है हम दोस्तियां और दुश्मनियां जान लें कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और मैंने तो भाई सबसे दोस्तियां करके रखी हुई थी पहले ही, ताकि अगर कोई जीते भी तो एटलीस्ट मुझको ना निकाले। जब भाई आपके अब्बू आते हैं घर में तो आपको इतना डर नहीं लगता, लेकिन जब इस शो के पापा वकार आते हैं तो वकार आता है तो सबके चेहरे के रंग ही उतर जाते हैं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल। अच्छा रेस्ट मिल गया? जी काफी अच्छा। डिनर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी। क्या क्या पार्टनर्स बने? बता रहे। कौन किसके साथ है? मैं और कशा। मैं और बिलाल। साथ बैठ जाए। आपका पार्टनर कौन है? कोई भी नहीं है मेरा पार्टनर। कोई भी नहीं है? या आपका कौन है? कशा। कशा आप पक्का यही होंगे जी? आपका कौन है मारिया? हमार जी। अभिया? नो वन। तो जिनके पार्टनर्स नहीं बने क्यों नहीं बना सके? मैंने सबको पिच किया था, लेकिन उनका उनकी अपनी मर्जी कि उनको किसको पार्टनर बनाना है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपने पार्टनर्स चूज कर लिए। मैंने सबसे बात की थी
अभिया, मैंने पूरी कोशिश की थी सबसे ज़्यादा बात करने की, सबको अपने बारे में बताया, उनके बारे में जाना, मगर ऑलरेडी सब डिसाइड कर चुके थे कि किसको किसके साथ जाना है, तो फिर कोई मिला ही नहीं। तो अभी आप यहाँ के बैठ जाएं, आप थोड़ा उधर हो जाएं। तो पार्टनर अब जिसने बना लिए हैं, इसका मतलब ये है आप लोग गेम में खेलेंगे, ये दोनों देखेंगी। पार्टनर बन गए ना तो अब साथ भी तो देना पड़ेगा एक दूसरे का। जी। करना ये है आप लोगों ने, कल आपने क्या किया, पार्टी की, उसमें एक शूट हुई, सब ने तकरीबन एनर्जी से परफॉर्म किया, सबके एनर्जी लेवल बहुत अच्छे थे, अपने लिए आप तालियां बजा सकते हैं, सब बराबर है। हम ये नहीं कह सकते किसी ने नहीं परफॉर्म किया, कोई तंग कर रहा था, सबके अंदर एक उमंग थी, पार्टी हो रही है भाई, नाचना है, रुकना नहीं है। कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। वैसे तो आप पूछते हैं हर दफा इतने सारा कुछ, कैसे करना है, ये कैसे होगा, पानी ठंडा क्यों आ रहा है। अब यहाँ तो सवालात इतने थे, बोला उसमें घुसने से पहले कहा था ना तकलीफें होंगी आपके लिए। तो जो लोग देख रहे हैं उनको शायद ये ना पता चले क्योंकि वहाँ कैमरा भी नहीं है, सख्त सर्दियाँ चल रही हैं कराची में, और कैसे नहाना पड़ता है, ठंडे पानी से, ठंडे पानी से, ठंडे पानी से नहा रहे हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है, और इतना ठंडा पानी होता है, एसी भी चल रहे होते हैं, हालत खराब, मेरा तो गला भी चल, बाथरूम में एसी भी चल रहा होता है, नहीं बाहर में, जब हम वॉशरूम से बाहर आते हैं तो एसी चल रहा होता है तो और ठंड चढ़ती है। तो मैं हैरान था अभी तक किसी ने बोला क्यों नहीं यार कि गरम पानी क्यों नहीं बोला, मुझे मसला नहीं है, मैंने हम लोगों ने बोला था लेकिन जब मैंने बोला जब आया ही नहीं तो भाई जो है उसी में चला लो। ठंडे पानी से नहाते हुए बाकी चीजें करते हुए, लेकिन पार्टी के टाइम सब खुश थे, वहाँ भी सर्दी लग रही थी भाई, सर्दी का पता नहीं चल रहा था, मजा आ रहा था बहुत। अब जो लड़कियां हैं उनके हाथ में लड़कों की इज्जत है, सिर्फ कपड़ों से थोड़ी जाती है, आपकी रूह की वजह से भी जा सकती है कि आपकी रूह कैसी है। जो लड़का नहीं कॉम्पीट करना चाहता, जहाँ हार मानेगा तो लड़की भी हार जाएगी, होगा ये, दुनियावी काम कर लिया आपने। सबसे पहले आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब लड़कियों ने देना है, किसने देना है, लड़कियों ने। लड़कियां अगर सवाल का जवाब दे देंगी तो वो लड़के बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं दे सकी तो लड़कों को टॉर्चर मिलेगा, और वो टॉर्चर ऐसा होगा कि लड़का कह सकता है मैं नहीं लूंगा भाई, गेम खत्म उसका। अब आपने इस बात को समझना है, चैंपियंस बनने के लिए दुनिया के किसी भी रियलिटी शो में ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैं अभी करने वाला हूँ। जब एक शो चल रहा होता है उसकी एक थीम होती है, थीम के साथ आप चलते हैं, डेयर्स करवाते हैं, और डेयर का मकसद हमेशा एडवेंचरस चैलेंजेस होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिंदगी में चैंपियन बनने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो अहम होता है, माशरा जिसको चैंपियन समझे, सिर्फ आप ना समझे अपने आप को, तो उसके लिए करना ये है आपने, जो लड़कियां हैं जो मैं सवाल करूं उसका जवाब आपने क्यू कार्ड पे लिखना है, लड़कों ने नहीं देखना, लड़की ने दूसरे के पास नहीं देखना, लिखकर अपने पास रखना है और मुझे दे देना है। अपना नाम भी मेंशन कर दो। जी अपना नाम मेंशन करना है। होगा ये, चैंपियन बनने के लिए दीनों दुनिया साथ लेके चलना चाहिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है जिसको आता हो हाथ खड़ा करेगा फौरन। ओके। जो हमारे महीने हैं इनके नाम बताने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान। और किस मजहब को फॉलो करते हैं? इस्लाम। इस्लामिक मंथ के नाम बताइए किसको आता है। जी मारिया, आप बताए। नहीं मुझे नहीं आती, क्योंकि आजकल माशरा ऐसा है हमारा कि हम ये सोचते हैं अगर हमने पार्टी कर ली तो पार्टी करने वाले को मजहब का क्यों पता होना चाहिए, और पार्टी करने वाले को जब देखते हैं लोग कहते हैं पार्टी करता है, नमाज तो पढ़ता ही नहीं होगा। लेकिन मेरे शो का चैंपियन वही बनेगा जो अपने मजहब को भी समझता होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम बहुत अच्छे और सुपर डुपर मुसलमान हैं, ना ही ये बात कभी हमें करनी चाहिए। ये तो इस्लाम का मकसद जहाँ पर हुआ है, इस्लाम की बात हो रही है तो किसी मुफ्ती से पूछ लेते हैं, हमेशा ये कहा जाता है। जी। क्यों?
पार्टी के टाइम, गानों के टाइम तो आप किसी डीजे से नहीं पूछते? पूछते? आपको सब पता होता है ये गाना लगाओ वो गाना लगाओ, आखिरत में भी यही करेंगे। मौलाना साहब ने जो बताया हमने तो वो किया। ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ चैंपियन कि आप तहकीक करें जिस भी मजहब को आप फॉलो करते हैं वो मजहब क्या है। अगर आप कुछ पढ़ते हैं अरबी में तो उसका मतलब क्या है, नहीं पता तो इसका मतलब ये है फिर किस बात के चैंपियन हुए। जवाब देने हैं लड़कियों को, अगर गलत जवाब तो सजा मिलेगी उनके पार्टनर को। तो मैंने सोचा भाई मेरी बंदी तो पढ़ी लिखी है आसानी से जवाब देगी सारे, लेकिन उन्होंने कहा इस्लामियात के। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा भाई इस्लामियात की कहाँ से देगी ये, आजकल की मॉडर्न बच्ची है ये, इस्लामियात कहाँ पढ़ती होंगी। पहला सवाल क्यू कार्ड उठा लें, जो भी मैं सवाल करूँ उसका जवाब लिखने के लिए 10 सेकेंड आपके पास। कितने? 10 सेकेंड। 10 गिनेंगे और छोड़ देना मार्कर। रमज़ान काफ़ी दफ़ा इसकी अहमियत के बारे में बात होती है, कितनी दफ़ा तकरीबन रमज़ान का लफ्ज़ कुरान पाक में आया है, कहाँ आया है और इसका क्या मतलब है? गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप राबिल, कौन कह रहा है कि उसे नहीं पता? बिल्कुल हाथ खड़ा कर ले। एक और दो, थोड़ा सा ना टाइम का लिखा है आपने तो दे दें, थोड़ा सा हाफ लिखा है, थोड़ा हाफ लिखा ले लो। तो भाई मेरी पार्टनर है रुबैशा, उसने मुझे कान में बोला कि वो हाफिज कुरान है, तो भाई मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कशफ ने कुछ नहीं लिखा, ये रुबैशा आपने क्या लिखा? वो नहीं पता। रमजान का जिक्र कुरान पाक में एक दफा हुआ है सूरह बकरा में। रमजान क्यों मनाते हैं हम? जी लड़कियां बताएं अगर बता सकती हैं। सबर का महीना है। सबर का महीना, बहुत सुकून मिलता है। नहीं क्यों क्यों करते हैं हम, रमज़ान का मकसद क्या है? पेशेंस चेक, क्योंकि हमारी हमें जो हमारी जो ईद होती है बोले हमारी जो हम जो ईद मनाते हैं मतलब पूरे महीने हम रोज़े रखते हैं, फिर उसके बाद हमें एक मुझे बताना नहीं आ रहा। नहीं रमज़ान क्यों मनाते हैं? रमज़ान क्यों मनाते हैं? रमज़ान इसलिए मनाते हैं क्योंकि ताकि हमें एहसास हो। आपसे पूछा है, सॉरी बारी आई है। आप रमज़ान में रोज़े रखती हैं या छोड़ देती हैं? रोज़े रखती हूँ सारे। क्यों रखती हैं? सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ हम भी रख रहे हैं। हम भी मतलब कि हम रोज़े रखते हैं तो फिर एक होता है कि नमाज़ें पढ़ते हैं और एक वही महीना होता है जिसमें हम जिसमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए बाकी नहीं, मतलब कि हम प्रॉपर नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और लग रहा होता है मस्जिदों में सब जा रहे होते हैं, एक अलग ही नज़र आ रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्या मकसद है रमज़ान का? रमज़ान का मकसद जी है, ठीक है जी मारिया। रमज़ान का बेसिकली मकसद है कि अल्लाह ताला सब्र का महीना है कि इंसान कितना सब्र कर सकता है, पेशेंस चेक करने के लिए। सब्र चेक होता है इससे जी राबे, ताकि औरों को भी गरीबों का और इन लोगों का एहसास कर सके। सिर्फ रमज़ान में? मतलब वो होता है ना कि भूखे जो रह रहे हैं ताकि उन लोगों को भी एहसास हो। सिर्फ रमज़ान में? उसमें ज़्यादा होता है ना, रोज़ा रखना पड़ता है तो। आप रोज़ा क्यों रखती हैं? आपके रोज़ा रखने से गरीब का फ़ायदा कैसे होगा? क्योंकि रोज़े फ़र्ज हैं। क्यों फ़र्ज है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म किया है इसलिए। क्यों? कुरान में जी रुबैशा, इसलिए एक ताकि हमें अल्लाह की नेमतों का पता चले कि अल्लाह ने हमारे बाकी पूरे साल नहीं, रमज़ान में हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि अब जब हम इतना भूख प्यास रहती है तो हमें पानी का भी पता चल जाता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उससे क्या अचीव करना है? उससे अल्लाह अल्लाह की तरफ अचीव मतलब सबर ही आता है और नेमतों का पता चलता है, और उसके अलावा इसमें जो ताक आते हैं वो तो पूछे नहीं। रमज़ान में भूख प्यास और नेमतों का ज़्यादा पता चलता है। रमज़ान का मतलब होता है कि कुरान पाक नाजिल हुआ है तो उसकी सेलिब्रेशन है। रमज़ान का मकसद है तकवा अचीव करना। क्या होता है तकवा? परहेजगारी। तकवा क्या होता है पता है किसी को? अभी भी बच सकते हैं आप लोग, आप गेम में नहीं पता। वाह भाई वाह। रमज़ान का मकसद है तकवा अचीव किया जाए, ये प्राइम मकसद है। तकवा का मतलब होता है अल्लाह का डर दिल में लाना, आपकी रूह की एक्सरसाइज होती है ताकि अल्लाह का डर आए। शैतान को कैद कर दिया, शैतान को कैद करने का मकसद ये है कि अब आपका दिल एक्सरसाइज करे, आपकी रूह एक्सरसाइज करे, ताकि बाकी महीने में जब शैतान अटैक करे तो आप प्रिपेयर्ड हों। और प्रिपेयर्ड क्यों होंगे? सब्र किस बात का? अल्लाह का डर होगा तो आप बचेंगे ना शैतान के अटैक से। तो रमज़ान का मकसद है तकवा अचीव करना, सब्र, गरीबों को खाना खिलाना, ये तो बेसिक है।
افطاری پلان کرنے کے لیے صرف رمضان کرتے ہیں کیا؟ سورہ بقرہ میں جہاں اس کا ذکر ہے وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے لیکن تقویٰ نہیں تھا ان میں، اللہ کا ڈر نہیں تھا، تو اللہ کا ڈر دل میں لانے کے لیے آپ کو یہ مہینہ دیا گیا. جواب تو سب کا غلط ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ گیم میں اگر آگے جانا ہے تو لڑکوں کو ٹارچر فیس کرنا پڑے گا. خاموش بیٹھیں گے سب، جب ٹارچر پتہ چلے تو ہار مان لینا تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے. ٹارچر کا پہلا حصہ دے دیں ذرا مجھے. اب آئی جلاد کی باری کہ دوزخ میں جیسا جلاد ہوتا ہے ویسا ہمیں یہاں پہ ملنے والا ہے. میں تو اپنی سوچ میں پڑ گئی کہ بھائی کیسا آنے والا. جب جلاد کی انجری ہوئی شکل سے وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں نے بولا بھائی سب کی بجنے والی ہے. جلاد صاحب آپ کے لیے کچھ لائیں دکھائیں. چمپل. سوال کا جواب غلط دیا گیا، بندہ اٹھے گا یا بیچ میں آئے گا، بینڈ کرے گا، اس کے پیچھے یہ ایک دفعہ زور سے ماریں گے، آواز نہیں نکلنی چاہیے، آواز نکلی تو کام خراب. جی بلال آئیے، اور آپ کا منہ اس کیمرے کی طرف ہونا چاہیے. یوں کھڑے ہوں، آگے ہیں، آگے ہیں، بس رکو رکو رکو. جی جھکیں اور جھکیں. نہیں 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 نہیں، تشریف نظر آنی چاہیے. تشریف نہیں پتا کیا ہوتی ہے، ابھی پتہ چلتا ہے جب خراب ہوگی. آئیے پیچھے. میری طرف نہیں کرنی. نہیں نہیں آپ ادھر آئے، ان کی طرف کریں تشریف. آگے ہو گئے، آگے ہوں، کیمرے کی طرف آئیں، یوں کھڑے ہوں، جھک جائیں، آپ گھومیں، ادھر کریں تشریف کو اپنی. اچھا سر انگلش میں بول رہے ہیں ادھر. اچھا پوچھ مربع ہے. انگلش میں بھائی تم انگلش میں کیوں بولتے ہو جب تمہیں پتا ہے تمہیں نہیں پتا کیا چیز. اب جو لڑکی دے گی غلط جواب اس کے پارٹنر کی تشریف پڑے گا چھتر. اب ظاہر سی بات ہے آپ کا پارٹنر ہے جو بھی ہے آپ کے ساتھ ہی ہے نا، تو برا تو آپ کو لگتا ہے. روبیشہ میم کو آسان سے سوال نہیں آ رہے، اسلامی کوشچن. میں نے سوچا یار میں جو ہوں نا اس کے مدرسے پہ جا کے اس کے مولانا صاحب سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کی اسٹوڈنٹ کیسی ہے، اتنے آسان سوال نہیں آ رہے. میں نے کہا چپل تو کھانے کھا لیں گی چپل، یار بہت چپل کھائی ہیں. تو جب میں چپل کھانے کے لیے کھڑا ہوا اور جب مجھے چپل بھری لگا ہائی وے میرے یار، بادل یہ دکھنے لگے رے سرکار. چل رہا ہوں اڑ رہا ہوں آئے سمجھنا، گالوں پہ پیار سے تو پنچ کر بولے تو بول. ہاؤس گھر ہے گھن چکر، فادر نہ مدر، میں ہوں بس نہیں تو سرکار. مستی مست ہے زبردست ہے، ہر کوئی دیکھو چلا رہا. Bowl, 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 house. Bowl, 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 bowl,